मैंने आपको कैसा लग रहा पिक्चर? पिक्चर बिल्कुल सही इसने बनाई है। अच्छा, अगर ये पिक्चर सही नहीं होती दुनिया नहीं देखती, दुनिया पागल है, बाहर से प्रो करते कहते इन्होंने करा ही ऐसा हमारे साथ है। और अभी मासी का फोन आया, अभी तो मतलब इतनी बड़ी सक्सेसफुल हो गई है फिल्म, भगवान ने बनाई, इसमें क्या इसका किस्मत है अपना। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या रीजन है ये पिक्चर इतनी ज्यादा नहीं करा इन्होंने? बजे ढाई बजे 10 बजे रात को उठो उठो निकलो निकलो बिचारे को मतलब उसको दिखाने से इतना थोड़ा सक्सेसफुल हो सकती है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल एक आना भी नहीं फरवा। मुझे नीटू ने कहा कि मैं बधाई कैसे दूं तुझे, उन बिचारों को लग रहा है ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। आज पूनम ले लिया फोन तो क्या कहानी पूरी दुनिया में पहुंच गई, पहुंच गई कि क्या हुआ है। मैं करा इन्होंने ऐसा ही बिल्कुल मेरे भाइयों के साथ करा, पकड़े जो अपना तुम खे चल बुझे नाना जी बिचोर मुँह चल बुझे बस नेचू तो कूर सन दिले पर लाडू पापा तो लाड़ तो नेटू जी तो आप क्या भैया भाई के बारे में क्या बोल रहे थे अपने भाई के बारे में? बारे के वो तो आया शाम को तो औरत ने कहा बंद करो, रामबाग में रहता था वो, उसका पैलेस मकान था, बनाया था उसी साल पानी के ऊपर ना बनाया था, कहता मैंने तेरे लिए भी जमीन रखा कृष्ण के लिए भी, तुम मकान आई मेरे पास बना लो। आया तो उसको चिट्ठी मिली नीचे दरवाजे के पास, ननसी ने गई दरवाजा खोला उधर चिट्ठी पड़ी है, आज आपकी बारी है। उस बेचारे ने कागज नहीं मकान के उठाए, पासबुक नहीं उठाए, कुछ नहीं उठाया उसका, मुझे बिल्कुल पता है वो मर गया उसी में। कहते मैंने इतनी प्यार से ये मकान बनाया, मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँ अब। तो वो झूठ थोड़ा कितना झूठ होगा। चलो अभी मतलब कश्मीरियों को पूरे वर्ल्ड में कहते वापस भेजेंगे, हिमाचल के गवर्नर ने कहा इनको, मुझे पता है क्या हुआ कश्मीरियों के साथ, वो क्या था कल उसे न्यूज में बताया, मुझे पता है इनको वापस जाना चाहिए, मकान देना चाहिए। आप जाना चाहोगे? आप जाना चाहोगे? हजार टांगों से हाँ, मैं करनगर में ही लूंगी मकान, मैं वहीं रहूंगी। हाँ, मेरा तो बचपन का है, मैं तो इतना कहती कि भगवान कुछ भी एक एक कमरा ही दे हम लोगों को, तो हम वहीं रहेंगे। हम तो मम्मी फिर भी ठीक थे, और बेचारे जो इधर रहते थे रिफ्यूजी कैंप्स में उनका क्या बुरा हाल था? वो जैसे दिखाया इन्होंने कैंप में हम बुढ़िया रही ना, वो बेचारों को बर्दाश्त नहीं हुआ, पानी गर्मी थी, वो मर गई, हजारों लोग मर गए उधर, वहां से निकलते। इतना तरस खाना चाहे थोड़ा बहुत, मगर इन लोगों को तरस नहीं है, जिसी थाली में खाते उसी में खाते, उसके कहने से क्या हुआ। अब्दुल्ला को मैं तो अब्दुल के बाप अब्दुल्ला ने कुछ बोला ना, हमारा अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला ने अभी भी कुछ बोला कि नहीं नहीं ये झूठ है? ना ना गलत, झूठ एक आना भी नहीं है। जिसने ये पिक्चर बनाई उसको करोड़ों भगवान दे दे दिन के। पूरी हमारी पिक्चर से बनाई है, कुछ नहीं गलत नहीं लिखा इसने, इतना भगवान। और कहते लड़कियों को बहू को छोड़ तुम निकल जाओ, ले कमाल है तुम लोगों को ना छोड़े, गलत बात है, करनी नहीं चाहिए। आखिरकार 32 साल मामूली बात नहीं है, 32 साल के बाद इसने काम का रिजल्ट आया। फिर डरना चाहिए, एक प्रभु से डरना चाहिए और किसी से नहीं। और मेरे पुष्कर नाथ जी का काम अच्छा लगा आपको? पुष्कर नाथ जी का काम अच्छा लगा आपको मैंने जो किया? पुष्कर नाथ है मेरा नाम, मेरे कैरेक्टर नाम पुष्कर नाथ। तूने अच्छा लगा? मैं नहीं अच्छा लगा तो ठीक है, मगर नजर लग जाएगी मुझे वरना। इसको नजर उतार बेटा, मैं यही जा रहा, सच्ची नहीं नजर उतार उसको। चलो ठीक है, नजर उतार दो जी मेरी। हाँ, क्यों नजर उतारनी मेरी, क्या आपको क्या लगता? नहीं नहीं, बट क्यों मतलब बताओ ना। कहते हैं उसको बधाई दो वो हमें अच्छा लगा, मैं क्या करूं? तो अच्छा नहीं मतलब तारीफ आपको नहीं अच्छी लगती मेरी? नहीं क्यों नहीं लगेगी तारीफ तेरी अच्छी, जिसे बनाई वो मुझे अच्छा लगा, तेरी तो बात ही नहीं है। और बिना पता तूने सब कुछ कर लिया, मार भी खाया, औरत को भी मराया, बच्चों दो को भी मार कुटाई करी, वो कहता था मैं आ रहा हूँ तू खा ये चीज, वहाँ बाथरूम के पास उनको बचाता है जब उसको नंगी बिचारी हो जाती है औरत को, ये इतना कोई झूठ थोड़ा बोलता है। अब्दुल्ला के कहने से क्या हुआ, मेरे सामने बोले मैं कहूँगी जब मेरा मामा चीफ मिनिस्टर था तू क्या करता था? सही बात, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का। हाँ, आपके मामा जी तभी से ऐसे करा, इसके बाप तक बाप था इसका शेख अब्दुल्ला, कैसा मैं तो वो इसका बाप कहता था मैं कश्मीरियों को जैसे हमारी औरतें काम करती वैसे मैं हिंदू से काम कराऊंगा, वो हुआ ना इसको इसे मरवा दिया। चलो ठीक है, शांत हो जाओ। चलो नहीं नहीं शांति नहीं, इनको भगवान लेगा, मेरा अगर है ठाकुर वो इनका बदला लेगा।
जो हमारे साथ कर रहे हैं, बेचारियों को कपड़े नहीं निकाले, पैसे नहीं निकाले, मेरे भाई को पैसे भी नहीं निकले, बस से चलते चलते फंस गए। अच्छा वहाँ कहाँ जाए, वहाँ कहाँ उनका बाप का मकान है जम्मू में या दिल्ली में, कहाँ वो टेंट में रह गए, वहाँ खाना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो तो वही जाने जिनके साथ भगवान ना करे किसी दुश्मन के साथ ऐसा करे, वहाँ ट्रेजी मकाना वो लोग कोई नहीं कुछ।